जब भी परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का बात आता है तो स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत डर सा पैदा हो जाता है कि ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा। देन एक्चुअली हमें परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का बेसिक समझना है। तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन जब भी बात होता है दैट मीन्स तो हम जानते हैं एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर और एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। यही दो चीज पहले दिमाग में आता है, बट ये तो गया फॉर्मूला। इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस लॉजिक में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर टोटली लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ये चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है, लॉजिक क्या है इस चैप्टर के पीछे। सो ऑल दिस थिंग्स टुडे विल डिस्कस। सो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन और कम्बिनेशन समझने के लिए हमें पहले एक चीज बहुत अच्छे से समझना होगा, दैट इज काउंटिंग। अब काउंटिंग तो हम सब जानते हैं, फिंगर काउंटिंग जानते हैं, क्योंकि जब छोटा थे तभी से फिंगर काउंटिंग करके कर रहे हैं, या तो फिर जब छोटा थे तब लाइन काउंटिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। नो, ये उस टाइप का काउंटिंग नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का। तो चलिए सीखते हैं काउंटिंग। सपोज वी हैव फोर पिज्जा एंड थ्री बर्गर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि पिक वन आइटम फ्रॉम द अबव। पिक वन आइटम। सो पहले सपोज फोर पिज्जा को हम लिख सकते हैं P1, P2, P3, P4 और थ्री बर्गर्स को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P1, P2, P3। नाउ फोर पिज्जा को कितने वे में हम चूज कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन और थर्ड वन और फोर्थ वन। सो दैट मीन दिस कैन बी चूजन इन फोर डिफरेंट वेज। एंड थ्री बर्गर इसको हम चूज कर सकते हैं कितना वे में, आइदर फर्स्ट बर्गर और सेकेंड वन और थर्ड वन। दैट मीन्स इसको चूज कर सकते हैं थ्री वेज में। दैट मीन्स फोर पिज्जा और थ्री बर्गर में से एक आइटम अगर चूज करना हो तो कितना तरीके से चूज कर सकते हैं, सी हो जाएगा 4+3 दैट इज 7 वेज। अब हम जब इसको बोल रहे थे पिक वन आइटम, सो दैट मीन्स इट मे बी पिज्जा और मे बी बर्गर। सम क्या बोल रहे हैं, पिज्जा और बर्गर, दैट मीन्स यू आर यूजिंग और। अब इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन व्हेनेवर देयर इज और सो वी विल ऐड दैट। So or implies was plus. So here it is 4 ways and it is 3 ways. So 4 plus 3 is 7 ways. So यहाँ पे or का मतलब होता है plus. ये हम second condition में क्या बोल रहे हैं? Second condition में suppose you have to choose one pizza and one burger. One pizza and one burger. That means out of 4 pizza, that is P1, P2, P3, P4, एक चूज करना है, and out of 3 burgers, B1, B2, B3, यहां से 1 चूज करना है, 1 pizza and 1 burger. So, कितना तरीके से चूज कर सकते हैं? So, इसको देखते हैं. Suppose हम P1, B1 ले सकते हैं, P1, B2, P1, B3. This is possible. Similarly, P2, B1, P2, B2, P2, B3. Third, P3, B1, P3, B2,
P3B3 and last one P4B1, P4B2 and P4B3. So that means कितना तरीके से, so ये हो गया, that means B1 P1 के साथ B1 B2 B3, that means ये हो गया 3, P2 के साथ B1 B2 B3 ये भी हो गया 3, P3 के साथ B1 B2 B3 ये हो गया 3, P4 के साथ ये हो गया 3, so total आ गया 12. तो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि P1 P2 P3 P4 P4 this can be selected, this can be taken in 4 different ways और B1 B2 B3 this can be taken in 3 different ways. अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, एंड. तो जब भी एंड रहेगा दैट मीन्स ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 इंटू 3 इट इज 12, सो हियर आल्सो यू आर गेटिंग 12, सो दैट मीन्स हियर एंड व्हेनेवर देयर इज एंड सो दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इज मल्टीप्लिकेशन एंड ऑड इज एडिशन, सो दिस टू वी नीड टू रिमेंबर फर्स्ट. नाउ फ्रॉम प्रीवियस क्लास, फ्रॉम क्लास 10 वी हैव ऑलरेडी यूज्ड this one, how, let me this table we have already done in class 10. अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 numbers है, यहाँ पे भी 6 number है. अब जब हम बोले थे तब यहाँ पे total element कितना होता है, 36. अब इसमें भी ये and और वाला केस यहाँ पे दी है, क्योंकि यहाँ पे 6 row and 6 column, 6 row 6 column है, that means यहाँ पे भी हम use कर रहे हैं and, ये एंड यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 36. सो सपोज इफ वी रिमूव वन ऑफ देम 6 एंड 5, देन इफ वी रिमूव दिस एंटायर रो, हियर इट विल बी 6 एंड दिस विल बी 5, सो इट इज 6 इनटू 5 इट इज 30. सो हियर, सो यू नीड टू रिमेंबर केयरफुली, व्हेनेवर वी आर यूजिंग एंड this implies it is multiplication, and wherever we are using or it will be plus, so these two are very important point for permutation and combination. So chaliye chalte hain next topic. Ab permutation kya hai, permutation is arrangement of a number of objects in a definite order. Yahan pe do keyword hai, ye hai arrangement aur order, in dono bahut vital hai yahan pe. This two plays a vital role. Arrangement in particular order. Order is very important here. As for example, suppose हम लेते हैं तीन अल्फाबेट A B C. अब तीन अल्फाबेट को कैसे चूज कर सकते हैं? It may be A B C. It may be A C B. It may be B A C. It may be B C A. It may be C A B. It may be C B A. So various way में हम choose कर सकते हैं, यहाँ पे order अगर A, B, B और C place interchange कर दें तो meaning ही change हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A, B, C है और ये A, C, B हो गए, तो यहाँ पे order बहुत important है. तो ये है permutation, जो actually meaning करते हैं arrangement, permutation mainly है arrangement of some object in particular order, order यहाँ पे बहुत important है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ये होता है एन पी आर, और ई सी पी इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है इसका रूल. अब इसको हम अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी उससे पहले कॉम्बिनेशन को भी देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पे ये जो वर्ड है सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे परम्यूटेशन में था अरेंजमेंट एंड ऑर्डर, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन में कुछ ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर क्यों नहीं है, सपोज इन ए क्लास देर आर 48 स्टूडेंट, अब आउट ऑफ 48 स्टूडेंट वी नीड टू स्टूडेंट टू चूज फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास, दैट मीन्स 48 स्टूडेंट्स अगर दो स्टूडेंट चूज करना है, यहाँ पे तो ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि किसी ऑर्डर में हम कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली चूज कर सकते हैं. दैट मीन्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट वी नीड टू चूज टू स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज दैट, फॉर दैट वी नीड टू सिलेक्ट टू स्टूडेंट, सो हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर कॉम्बिनेशन. सो ये होता है कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन सी आर, और इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर.
ये होता है फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। मेनली टू टाइप्स प्रॉब्लम है, एक है नंबर्स और एक है वर्ड्स। तो दिस टू टाइप्स प्रॉब्लम वी हैव, वन इज रिलेटेड टू नंबर्स, वन इज रिलेटेड टू वर्ड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम कितना टाइप का हो सकता है वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम कितना टाइप का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 व्हेन नंबर वन रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड नंबर टू रिपीटेशन इज अलाउड। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे डिजिट क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 3 digits। सो हम 3 digit यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सपोज स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस। सो वन्स प्लेस को आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 कितने वेज में फिल कर सकते हैं, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5। तो फर्स्ट पोजिशन दिस कैन बी फिल इन 5 different ways। ओके, सो इसको 5 different way में फिल कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे कोई एक नंबर ब्लॉक हो गया, सपोज यहाँ पे 3 number को लिख दिया, सो अगर 3 यहाँ से चला गया तो हमें हमारे पास बचा 1, 2, 4, 5। सो नाउ कम टू द टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस डिजिट को जब लेंगे तो यहाँ पे आउट ऑफ 1, 2, 4, 5 ये 4 digit में से कोई एक लेना है, तो इसमें से इसको कितने वे में फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 digit बचा है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दैट मींस कोई भी डिजिट को हम मोर देन वंस रिपीट नहीं कर सकते। तो 1, 2, 4, 5 तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 4 digit है, दैट मींस 4 different ways में ले सकते हैं, ये हो गया 4 ways। सो सपोज यहाँ पे ले लिए सपोज 2, तो ये दोनों डिजिट यहाँ पे ले लिए, तो 100 digit बचा है, 100 place। अब 100 place के लिए कितना वे में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट मींस यहाँ पे बचा हुआ नंबर है 1, 4 and 5। सो दिस 100 place कैन बी फिल्ड बाय 3 different ways, 3 ways। सो दैट मींस ये 3 ways हो गया, ये 4 ways हो गया, 5 ways हो गया। अब हम फिलअप कैसे करेंगे, 100 और 10 और 1, या तो फिर ऐसे करेंगे 100 प्लस डिजिट एंड 10 प्लस डिजिट एंड 1 प्लस डिजिट, ऑब्वियसली एंड लगाएंगे, तब एंड मतलब ऑलरेडी हम बोले हैं, तो कितना होगा, तो ये 3 × 4 × 5 दैट इज 60। सो इन 60 ways, दैट मींस इन 60 ways वी कैन फॉर्म 3 digit नंबर। ये तो गया यूजिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 है, तो यहाँ पे टोटल 5 digit है, आउट ऑफ दैट हमें बनाना है 3 digit नंबर। इसको कैसे करेंगे, 5P3। अब NPR इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, इसमें भी हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3 दैट इज फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 टू 1 से मल्टीप्लाई, दैट इज ये होता है 120 और फैक्टोरियल 2 इज 2, सो 120 बाय 2 इट इज 60। सो दैट मींस दिस इज टोटल 60। सो दैट इज द आंसर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब आते हैं रिपीटेशन अलाउड वाला केस। नाउ इफ द रिपीटेशन इज अलाउड देन, अब यहां पे डिजिट तो सेम है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे अगर 3 box बनाएंगे, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 digit, तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा दैट मीन्स कोई भी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस 1 place डिजिट कैन बी फिल्ड बाय 5 different ways, क्योंकि ये 5 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। ओके, नाउ सिंस द रिपीटेशन इज अलाउड, दैट मीन्स जो डिजिट यहाँ पे यूज किए हैं द सेम डिजिट वी कैन यूज हियर ऑल्सो। ओके, सपोज यहाँ पे हम 3 यूज किए हैं, सो 3 यहाँ पे भी यूज हो सकता है, दैट मींस 3 यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ है, 3 फ्री है, दैट मींस दिस 10th प्लेस डिजिट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, अगेन इट कैन बी फिल्ड ऑल्सो इन डिफरेंट 5 ways, सो इट ऑल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 ways। अब यहाँ पे जो डिजिट लिए हैं
वो भी ब्लॉक नहीं है बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, दैट मीन्स 400 प्लेस. सो यहाँ पे भी सेम है. सो दिस ऑल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज. सो दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितना हो गया. अब यहाँ पे एंड लगेगा क्योंकि हम तीनों को फिलअप कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन. सो यहाँ पे 5 × 5 × 5 दिस इज इक्वल टू 125. ये होता है टोटल वेज. सो 125 वेज में हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं फ्रॉम दिस 1, 2, 3, 4, 5. ओके, नाउ इफ वी वांट्स दिस यूजिंग फॉर्मूला देन क्या होगा. उससे पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. सपोज हमारे पास 2 डिजिट है 1 और 2. अब ये 1 और 2 डिजिट को लेके कितना नंबर बना सकते हैं फॉर रिपीटेशन इज अलाउड. सो इट मे बी 1 2, इट मे बी 1 1, इट मे बी 2 1, इट मे बी 2 2. सो टोटल 4 बन रहा है. नाउ हियर नंबर ऑफ डिजिट इज 2 एंड हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है. दैट मीन्स हियर द फॉर्मूला इज 2 to the power 2. सो हियर नंबर ऑफ डिजिट इज 5 और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है. दैट मीन्स इफ यू अप्लाई फॉर्मूला हियर नंबर ऑफ डिजिट इज 5, सो 5 to the power कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का. सो 5 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 125. सो दैट इज द रूल. सो वी कैन फॉर्म 125 डिजिट्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड. सो 5 × 5 × 5 दैट इज 125. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6 व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड एंड कैन नॉट बी रिपीटेड. सो आते हैं फर्स्ट पार्ट में व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. तो यहाँ पे हमारा नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब इसमें से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि इवन नंबर होगा. अब जब इवन नंबर होगा तो हमें ऑब्वियसली स्टार्ट यहाँ से करना है वंस प्लेस से, क्योंकि इवन नंबर मीन्स द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन. सो लास्ट डिजिट में क्या हो सकते हैं, आइदर 2 or 4 or 6. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी प्लेस. डेफिनेटली इट कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज. तो इसको हम फिल कर सकते हैं 3 डिफरेंट वेज में, क्योंकि दिस माइट बी 2 or 4 or 6, तीनों में से कोई एक हो सकता है. अब यहाँ पे बच गया 2 प्लेस. अब 2 प्लेस में से इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं. नाउ हियर रिपीटेशन इज अलाउड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड बोल दिया है. दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 6 डिजिट जो यहाँ पे यूज हुआ है, सपोज यहाँ पे हम 6 यूज किए हैं, तो 6 यहाँ पे भी यूज हो सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक. सो दिस कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज. और 100 प्लेस इसको भी हम फिल कर सकते हैं कितना वे में, 6 वेज में, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजिट है उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं. तो ये भी हो जाएगा 6 वेज. अब दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 3 दैट इज टोटल 108 वेज. ओके, अब इस प्रकार फॉर्मूला से करेंगे तो क्या होगा. फर्स्ट वंस डिजिट के लिए हमारा कितना वे हो जाएगा, 3 वे भी वंस प्लेस को फिल कर सकते हैं. सो ये 3 × अब यहाँ पे 2 ही प्लेस बचा है और टोटल आउट ऑफ 6 डिजिट है, तो यहाँ पे टोटल डिजिट है 6. सो 6 to the power 2, सो इट इज 36 × 3 दैट इज 108. सो इट कैन बी दिस वन और इट कैन बी दिस वन, लाइक दिस एनी प्रोसेस. सो इट इज 108. नाउ टू नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. नाउ यहाँ पे भी 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 स्पेस बना लेते हैं. अब यहाँ पे इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स इट मे बी 2, 4 और 6 एट वन प्लेस. सो दैट मीन्स वन प्लेस कैन बी फिल्ड यूजिंग 3 डिस्टिंक्ट वेज. सो ये हो जाएगा 3 वेज. अब यहाँ पे जो डिजिट यहाँ पे यूज हो गया वो डिजिट यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 यूज कर लिए हैं, तो 6 इसमें यूज नहीं हो सकता. दैट मीन्स ये स्पेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं. सो एक्सेप्ट 6 वी हैव 5 अनदर डिजिट्स. सो 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस कैन बी फिल्ड यूजिंग 5 वेज. ये हो गया 5 वेज में फिल हो गया, तो ये हो गया 5 वेज.
अब सपोज इसमें भी एक डिजिट यूज कर लिए, सपोज यहाँ पे कोई भी एक रैंडम डिजिट लेते हैं, सपोज यहाँ पे 5 यूज कर लिए हैं, यहाँ पे 6 यूज हो गया, 5 यूज हो गया, तो 6 और 5 ऑज यूज नहीं हो सकता, दैट मींस हम लोगों के पास 4 ही डिजिट पड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर 100 प्लेस। अब 100 प्लेस के लिए ये 4 डिजिट में से कितने वे में फिल कर सकते हैं, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। सो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4 × 5 × 3, सो 4 × 5 = 20 × 3 = 60, सो टोटल 60 वेज में हम फिल कर सकते हैं। अब सपोज इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सो अब जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो वंस प्लस डिजिट है इसको 3 वे में भी फिल कर सकते हैं, दैट मींस यहां पे 2, 4, 6, सो ये हो गया 3, इट मे बी 2, इट मे बी 4, इट मे बी 6, सो 3 × 2। अब ये 2 प्लेस है, ये 2 प्लेस को हम रिमेनिंग 5 डिजिट में से फिल कर सकते हैं, कि यहाँ पे जब एक डिजिट ब्लॉक हो गया तो बचा है 5, सो 5 में से 2 प्लेस को फिल करना है, तो दैट मींस इट विल बी 5p2, सो दैट मींस 3 × (5/5-2), दैट इज फैक्टोरियल 3, ये होता है 3 × (5) होता है 120, और फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 × 2 = 6, so here we can cancel 60 and 120, so it is 20, so 20 × 3 = 60, so 60 different ways। so ये तो गया second question, अब देखते हैं third question। now the question number 3, how many 3 digit numbers can be formed from 2, 2, 4, 6, 8, repetition not allowed। now here see this 2 repeats 2 times 4, 6, 8, so here we have 2, 2, 4, 6, 8. These 5 digits are there. So out of these 5 digits, we need to form a 3 digit number. So this 3 digit number can be 4, 2, 6, 4, 2, 3, 6, 8, 4. So many combinations are there. So we can form so many numbers. नाउ यहाँ पे जब ये 2 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज वी कंसिडर दिस एज 2a and 2b, सपोज दिस 2 आर 2 डिफरेंट नंबर्स, सो इफ वी कंस्ट्रक्ट 2 नंबर, सपोज 4 2a and 2b, और 6 2a 2b, देन फ्रॉम दिस वन मोर नंबर कैन बी फॉर्म्ड, दैट इज 4 2b 2a, and this also can be 6 2b 2a. Now if this 2a and 2b, these were different digit, then we have 2 different number like this, but these 2 are same because 2a and 2b actually both are same, so that means we need to divide this result by factorial 2, because this 2 2, that means 2 and 2, this can be arranged in how many different ways? Factorial 2 different ways. So we need to divide. So what will be the result? So here we know already 5 digits. When there are 5 digits are there. Now if we want to form 3 digit number from this, then it is 5p3. Now since here 2 is repeating, so we need to divide this one by factorial 2. Now why this one to divide? So that I have explained here only. So this equal to factorial 5 by factorial 5 minus 3, that is factorial 2 by factorial 2. So it is 120 by factorial 2, that is 2. And it is factorial 2 divided, so it is also 1 by 2. So it is 2, it is 60, 2, it is 30. So the result we are getting is 30. So total 30 ways we can form when the repetition is not allowed. Next जो type का question है, यहाँ पे 0 include रहेगा, क्योंकि अभी जो 3 example किए हैं 1, 2, 3, उसमें 0 नहीं था, अब इसमें 0 को include करके देखते हैं। अब यहाँ पे question क्या है, how many 4 digits numbers are there with no digit repeated? अब 4 digits number means यहाँ पे हम 0 to 9 सारा डिजिट को इंक्लूड करेंगे। From 0 to 9 अगर कंसीडर करेंगे तो how many 4 digits numbers are there? तो कैसे करेंगे ये?
तो आउट ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके तो सपोज क्लियरली कि जो 1000 प्लेस का डिजिट है इसमें 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें 0 देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो ये अलाउड नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है दैट मींस ये बाकी जो 9 डिजिट है उसको ही फिल करना होगा, दैट मींस 1, 2, 3, 4 डिजिट। तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? So this can be filled in 9 different ways because it can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anyone. So it can be filled in 9 different ways. Now we are coming to this one, that is 100 place. Now when one of this one is already filled, that means how many digits we have left? So suppose here we have written 1. So when we have written 1 here, 1 is blocked. So how many digits remain here? Including 0, because this second place we can place 0, except this 1000 place anywhere we can place 0 because it is 4 digit number. So here this can be filled in also 9 different ways because 9 more digits are there. Now when 2 digits are filled, that means 2 digits are blocked, so that means 8 more digits are there. So that means this place can be filled in 8 different ways. And the last digit, that means 1, 2, 3 already filled, so 3 digits is out from here. So we have 7 more. So 7 digit mein se is from 7 different ways mein fill kar sakte. So total kitna ho gaya? It will be 9 into 9 into 8 into 7. So it is 81 into 56. So this is equal to, 4536. So this is the answer. Now suppose we want to apply the formula, then again I am doing this. So here clearly the first one is 9 different ways. I have already discussed this one, why this is 9, because 0 cannot be here. So it is because 1 to 9, 9 is, so 9 is here. Now these 3 places can be filled by using 9 other digits, because if we write here 1, that means 1 is blocked already, so 9 remaining are there. So out of that 9, we need to fill here this position. So how many places are there? So 3. So it can be filled in 9p3 ways. That means factorial 9 by 3 means it will be 9 minus 3, it is 6, factorial 6. So it becomes 9 into 8 into 7 into factorial 6 by factorial 6. Now this factorial 6 is cancelled here. So it is 9 into 8 into 7. So it is, we are getting 504. Now this is 9p3 for this 3 position we are getting. Now this position is 9 different ways. So the final answer is 9 into, it is 9p3. So it is 9 into 504. So it is 49 to 36, 3, 4, 5 to 45. So it is 4536. So it is the answer that only we are getting. Question number 5. Now this question, how many 6 digit number can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 with no digit repeated? That means we have to form 6 digit number using these 6 digits and the digits must be divisible by 10. So here the digits are 0, 1, 3, 5, 7, 9 and we have 6 different places 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, the digits must be divisible by 10, that means the number must end with 0. So here, one place must occupy 0, that means in one place we must have 0. So this 0 can be placed in one place because there is only single 0. Now, we have 5 more digits and 5 place remains here. So this place can be filled with 5 ways, this can be filled with 4 different ways, because if repetition is not allowed, because so here if we place here 1 digit, so 4 digits remain, so here it can be 4, then 1, 2 here it is already there, so 1, 2 if we leave that 2, then here it is 1 more, so it is this can be 3 ways, it is 4, it is 5 ways, then this can be similarly 2 ways and this can be 1 ways.
So total it will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1 multiplied by 1 is 120 is the answer. So this is the required answer. So total 120 numbers can be found. Now if we apply formula here, so same thing will be there. So here if we write 6 place, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So definitely here it will be 0 because it is divisible by 10, so it will be 0. Now this 5 different place we need to fill from 5 digit. That means it is by 5 factorial ways. So it is 5 factorial and this is in 1 way, so it is 1. So it is 5 factorial, that is 120. So total number of digits that can be formed is 120. So that is the final answer. So यही आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड्स को कैसे फॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड कैन बी, हाउ कैन बी इट कैन बी अरेंज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और लाइक एंड शेयर प्लीज डू दैट. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए